नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फूड की कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। यहां पे मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके की द्वारा आप अपने किसी भी फूड बिजनेस की, चाहे रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन हो या फूड ट्रक आप चला रहे हो, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आज हमारी फूड कॉस्ट के बारे में। फूड कॉस्ट को अगर मैं एक दूसरे शब्दों में बोलूँ, ये वो कॉस्ट होती है, ये वो पैसा होता है जो कि हम लोग स्पेंड करते हैं, हम लोग खर्च करते हैं अपने रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी फूड बिजनेस की रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँ। इसके अलावा अगर आप कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका ऑलरेडी कोई फूड बिजनेस चल रहा है और आपको किसी भी प्रकार की आपको डिफिकल्टी हो रही है आपको चीज़ें समझने में, तो मेरे पास क्लाउड किचन की एक प्लेलिस्ट है, फूड बिजनेस की एक प्लेलिस्ट है और एक रेस्टोरेंट स्टार्टअप की प्लेलिस्ट है जिसे कि आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस जो कि आपके बिजनेस को रन करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा हमारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि आप इनरोल कर सकते हो, जिसके के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा इन्वेंट्री ट्रेसेबल प्रोसीजर। हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी इन्वेंट्रीज को ट्रेस कर पाएँ, अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाएँ। ये थोड़ा एक भारी भरकम शब्द हो गया, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज, दूसरा आ जाता है हमारी ऑर्डरिंग का। ऑर्डरिंग से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ उतना ही ऑर्डर करना है जितना कि आपको ज़रूरत है। हमेशा आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको एक मंथ तक का ही जो कि रॉ मटेरियल है आपका आपको लाके रखना है, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जो वेदर कंडीशन होती है वो बदलती रहती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का अगर आप रॉ मटेरियल ला के रखते हो तो उसकी जो ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज की जगह है, तो आप ज़्यादा ला के रख सकते हो। पर मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि एक मंथ से ज़्यादा कभी भी आपको रॉ मटेरियल का ऑर्डर नहीं करना है। दूसरा, आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है जो आप ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास नहीं होना चाहिए, आपको एक यहाँ पे एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अब इस इन्वेंट्री ट्रेसेबल प्रोसीजर के अंदर दूसरा हमारा आता है स्टोरेज का। स्टोरेज से मतलब है कि आपको प्रॉपर स्टोरेज करनी आनी चाहिए, आपकी स्टोरेज इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ आ जाती है, हमारे रॉ मटेरियल और हमारे कुक्ड फूड, दोनों की स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की दोनों ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारी फूड की कॉस्ट को। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ वेस्ट कर रहे हैं तो वो गार्बेज में जा रहा है, और अगर इसको दूसरे शब्दों में लेंगे तो हमारा पैसा भी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो आपको आपकी जो स्टोरेज है उसका प्रॉपर से ढंग ख्याल रखना है जब आप सामान रिसीव कर रहे हैं और जब आप कुकिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका लेफ्ट ओवर बच जा रहा है, जो भी खाना आपका बच जा रहा है, उसको भी आपको प्रॉपर ढंग से स्टोर करके रखना है। तो ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री ट्रेसेबल प्रोसीजर का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पोर्शन साइज का। आप चाहे सूप सर्व कर रहे हैं, आप चाहे एपिटाइज़र सर्व कर रहे हो, मेन कोर्स हो, डिज़र्ट हो या फिर कोई भी कुजीन हो, आपको आपके जो पोर्शन साइज़ है उनको डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक कुक या एक शेफ 100 ग्राम दे रहा है और दूसरा कुक उसी चीज़ को 300 ग्राम दे रहा है, क्योंकि जो भी आपने रेट उसका रखा है अपने मेन्यू के अंदर, कस्टमर सिर्फ वही पे करेगा। पर अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी भी दोगे तो वो उसका ज़्यादा पे नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे जो आपकी जो फूड कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है, वो सिर्फ इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि आपके जो पोर्शन साइज़, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने मेंशन नहीं करे हैं और यहाँ पे आपकी जो फूड कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। तो आपको आपके पोर्शन साइज़ का भी ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे आता है हमारे ओवर प्रोडक्शन का। ओवर प्रोडक्शन से मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बना देना, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा खाना बन जाता है तो वो जाता है गार्बेज में, और गार्बेज में जाने का मतलब होता है कि आप अपने फूड को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका फूड वेस्ट हो रहा है तो आपका पैसा फिर से गार्बेज में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो भी ओवर प्रोडक्शन है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पर जनरली देखेंगे तो ये नामुमकिन होता है, आप जज नहीं कर सकते हैं, 100% कोई भी जज नहीं कर सकता है कि कितना खाना बनना चाहिए। पर यहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रॉपर प्रोसीजर्स वहाँ पे लगा के आपके जो कि जिसको कि हम लोग फूड वेस्ट ऑडिट बोलते हैं, इस
टूल का यूज़ करके, आपके फूड वेस्ट ऑडिट का टूल का यूज़ करके आप लोग अपने जो जो गार्बेज है उसको कम कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग का। हम लोग शेफलेस मॉडल की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी एक अनट्रेंड स्टाफ को लेके आ जाएंगे, उसको कुछ सिखा देंगे और वो काम करने लगेगा, पर एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और आप देखेंगे कि जो आप पैसा बचाने की सोच रहे थे किसी एक अनट्रेंड स्टाफ को हायर करके, वहीं आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपनी इस फूड कॉस्ट के अंदर। तो आप किसी भी अगर एम्प्लॉई को हायर कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर मेंशन करी है, चाहे पोर्शन साइज़ हो गया, चाहे ऑर्डरिंग लेस रॉ मटेरियल हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें की ट्रेनिंग उनको आपको पहले देनी है, फिर उसके बाद उनको आपको ऑपरेशन में इन्वॉल्व करना है। आप उनको डायरेक्टली ऑपरेशन में इन्वॉल्व करते हो और किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देते हो तो बाद में लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए लॉस ही साबित होता है। आपका शुरुआती समय में तो थोड़ा पैसा बच जाता है, पर लॉन्ग टर्म में आपको जो फूड कॉस्ट के अंदर आप मात खा जाते हो और आपका बिजनेस सफ़र करने लगता है। तो ये पॉइंट्स थे जो कि आपको आपकी फूड की कॉस्ट को कंट्रोल करने में सहायता कर सकते हैं। आप इनको फॉलो कीजिएगा, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं, आप उनको भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, प्लीज़ मुझे नीचे लिखिएगा या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर देने के लिए कोई वीडियो बना दूँ या पर्सनली आपको मैसेज के द्वारा वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।